ऑलराइट गाइज एंड वेलकम टू माई चैनल। मेरा नाम है अल्फैज़ और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टर्बो चार्जर्स वर्सेज सुपर चार्जर्स के बारे में। मैंने एक्चुअली टॉपिक्स दे रखे हैं वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको एक स्पेसिफिक टॉपिक को के बारे में जानना है तो आप वहाँ से स्किप कर सकते हैं वीडियो। सो ऑलराइट गाइज, तो चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने एक इंजन का यहाँ पे ड्रॉ बनाया हुआ है। यहाँ पे आप टर्बो चार्जर्स देख सकते हैं जिसमें दो टर्बाइन है और ये अलग अलग, इसमें मतलब जो ब्लेड्स हैं वो एक डिफरेंट एंगल पे लाइन हुए हुए हैं। यहाँ हमारा एक इनटेक एयर फिल्टर है जो भी हमारा टर्बो चार्जर एयर अंदर सक करता है, ये पहले उसे फिल्टर कर लेता है, जैसे कि डस्ट पार्टिकल्स एंड एटसेट्रा। और ये हमारा एयर कूलर है। इसका रीज़न, जो एयर कूलर एक्चुअली यहाँ पे क्यों है वो रीज़न मैं आपको अभी बताऊँगा। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जो हमारा टर्बो चार्जर होता है वो किसी भी इंजन की इंजन एफिशिएंसी और उसकी रेंज या उसकी पावर को मैक्सिमाइज़ करने की पूरी पूरी कोशिश करता है। और जो भी ऐसा करता है या जो भी इंजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऐसा करती है गाइस, वो गेम जीत लेती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा सिंगल सिलेंडर इंजन है जो कि 4 स्ट्रोक पर काम करता है। और ज़रूरी नहीं है कि सिंगल सिलेंडर हो, ज़्यादातर गाड़ियों में 4 सिलेंडर या फिर V8 या फिर V6 और ऐसे जितने पावरफुल इंजन होते हैं उनमें हम टर्बो चार्जर का नॉर्मली यूज़ देखते हैं। सो गाइस, सबसे पहले जैसे ही हमारा फर्स्ट जो हमारा स्ट्रोक है जो कि है इनटेक, जैसे वो हमारा जो इनटेक, जैसे ही हमारी फ्रेश एयर जो होती है जैसे वो हमारे कंबशन चेंबर के अंदर आती है और उसके बाद जो हमारा कंप्रेशन होता है, जो हमारा पिस्टन होता है वो अपवर्ड मूव करता है। जैसे कि आप जानते होंगे हमारा पिस्टन है वो लीनियरली मूव करता है अपवर्ड और डाउनवर्ड। जैसे ही हमारा पिस्टन है उस एयर को कंप्रेस करेगा तो वो हमारी स्पार्क प्लग उसे इग्नाइट करेगी जो कंबशन होता है और उसके बाद में वो एग्जॉस्ट टेक प्लेस करता है। जब ये वाला हमारा वेल्व, सेकेंडरी वेल्व जो होता है वो ओपन होता है, वो फिर जो हमारी गैस होती है वो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से, गाइस एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड कुछ इस तरह का नहीं देखता है, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए एक सिंपली पाइपिंग दिखाई हुई है, मगर एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड ऐसा नहीं होता, वो बहुत टर्बो चार्जर के करीब होता है। मैं एक इमेज दे दूंगा, जैसे कि आप अभी अपनी स्क्रीन्स पर देख पा रहे होंगे, ऐसा इनटेक मैनिफोल्ड, वो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड होता है। तो जैसे ही वो एग्जॉस्ट गैसेज हमारी पहली टर्बाइन को हिट करती हैं, उस पर फोर्स अप्लाई करती हैं और उस फोर्स की वजह से जैसे हमारे जो इस पहले इंपेलर का जो ब्लेड्स का जो एंगल है, उस एंगल की वजह से ये इसे क्लॉकवाइज घुमाता है। और अगर हमारे इस वाले जो हमारा इंपेलर है या फिर टर्बाइन है, इसका ब्लेड्स का एंगल इसके अपोजिट है, तो अपोजिट एंगल होने की वजह से ये गाइस एयर को अपने अंदर सक करेगा और उसे कंप्रेस करेगा। और जैसे ही एयर कंप्रेस अंदर सक करता है तो उससे पहले हमारा एयर फिल्टर जो होता है वो उस एयर को क्लीन कर लेता है और वो कंप्रेस होके हवा हमारी जाती है एयर कूलर में। और आप जानते होंगे कि अगर आप एयर को प्रेशराइज करते हो तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। जैसे कि यहाँ आप देखोगे तो जो हमारा टर्बो चार्जर है वो एयर को कंप्रेस करके कुछ डिग्रीज तक हॉट कर देता है, बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ डिग्रीज तक। वो काम हमारा एयर कूलर करता है उसे ठंडा करने के लिए। और अगर हमारी जो एयर है अगर वो गर्म रहेगी या उसका टेम्परेचर कुछ ज़्यादा होगा तो इतनी एफिशिएंसी से कंबशन नहीं हो पाएगा। तो हमारा एयर कूलर फिर उस एयर को क्लीन करता है और वो सीधा जाती है हमारे इनटेक में, इनटेक से सीधा जाती है हमारे कंबशन चेंबर में। तो गाइस, इस प्रोसेस को होने में थोड़ा सा टाइम लगता है और जैसे ये इनफ बूस्ट क्रिएट कर लेता है तो उसके बाद आपको वो पावर मिलने लगती है। ऑलराइट गाइस, तो हमारे जो सुपर चार्जर होता है वो बिल्कुल टर्बो चार्जर की ही तरह काम करता है, बस वो जो पावर लेता है वो अपने इंजन से लेता है सीधा एक बेल्ट के ज़रिए जो क्रैंकशाफ्ट से कनेक्टेड रहती है। जैसा कि आप इस एक डेमोंस्ट्रेशन में देख पा रहे हो कि ऊपर की तरफ से जो कूलर एयर है जो कि ब्लू है वो नीचे आ रही है और ये इस स्क्रू की तरह एक इसका मैकेनिज्म है जो एयर को कंप्रेस करके सीधे इनटेक मैनिफोल्ड्स की तरफ को भेजता है। ऑलराइट गाइस, अब बात आती है टर्बो लैग की। सो गाइस, टर्बो लैग एक बहुत ही बड़ी एक प्रॉब्लम है हमारी टर्बो चार्जर की, जिसमें दो प्रॉब्लम्स हैं। एक तो हमारी प्रॉब्लम है कि इंजन का जो रिस्पांस टाइम होता है, जो बूस्ट का क्रिएट करने का जो टाइम होता है वो कम रहता है, और एक इसकी साउंड।
फ्लटर साउंड वो बहुत ही एक्चुअली मैं उसे कोई खामी नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे तो वो बहुत पसंद है और काफ़ी ज़्यादा लोग उसे पसंद करते हैं। आपको एक क्लिप दिखाऊंगा मैं उसकी। सो गाइज जो हमारा टर्बो लैग होता है वो सिंपली आप जानते हो, जैसे मैंने एक्सप्लेन कुछ देर पहले ही किया है कि हमारा जो टर्बो चार्जर होता है उसे वर्क करने के लिए हमारे एग्जॉस्ट गैसेस की ज़रूरत पड़ती है और उसके होने के लिए हमारे इंजन को पहले वो फ्यूल इग्नाइट करना पड़ेगा, वो 4 स्ट्रोक को पहले कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो एग्जॉस्ट गैसेस क्रिएट कर पाएगा। सो मान लीजिए अगर आपके 4 स्ट्रोक हो चुके हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा वक्त लगा है, फिर आपकी गैसेस आती हैं वो हमारे जो टर्बाइन को हिट करती हैं, उस पर फोर्स अप्लाई करती हैं, फिर हमारी जो सेकेंडरी टर्बाइन होती है वो स्पिन होती है, इंजन को वो एयर को कंप्रेस करती है, फिर उसे एयर फिल्टर में भेजती है, एयर कूलर में भेजती है, और वो सीधा जाता है फिर हमारे इंजन कम्बशन चेंबर में। सो इस पूरे प्रोसेस को होने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लगता है, और इसी वक्त के जो रीज़न है कि आपको जो रिस्पॉन्स टाइम है वो 2 से लेकर 4 सेकेंड तक हो सकता है कि जब आपने थ्रॉटल अपना दबाया, जब आपने हिट किया अपना इंजन का थ्रॉटल जो है स्पीड, जब आपने हिट की तो आपके हिट करने के बाद में 2 से लेकर 4 सेकेंड तक रिस्पॉन्स टाइम होता है जो, और हमारी जो इंजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या फिर कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इसको कम करने के लिए या तो वो ट्विन टर्बो का यूज़ करती हैं कि जो हमारे टर्बो चार्जर का जो साइज़ है उसे कम कर देंगी और उसको 2 स्प्लिट में बांट देती हैं कि सेम वॉल्यूम का जो हमारा टर्बो चार्जर है जिसकी एफिशिएंसी है या उसकी कैपेसिटी है बूस्ट क्रिएट करने की वो उतनी रहे, बस 2 टर्बो चार्जर अलग अलग इंडिपेंडेंट वर्क करते हैं, या फिर वो हमारे जो जो टर्बाइन के जो इम्पेलर हैं उनके जो ब्लेड्स होते हैं उनको ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, उनके जो ब्लेड के जो एंगल होते हैं अलाइनमेंट होती है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, या फिर वो हमारे जो बेयरिंग्स होते हैं बीच में इन दोनों टर्बो चार्जर में जो शाफ्ट होती है जो बेयरिंग होती है उसमें कम से कम वो फ्रिक्शन सोचते हैं कि कम से कम फ्रिक्शन रखा जाए। इसकी वजह से काफ़ी फ़र्क पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और जो हमारी जो साउंड होती है गाइज उसका जो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जैसे ही आप रेड लाइन पार करते हैं अपने इंजन आरपीएम की, मान के चल लीजिए 7000 आरपीएम या फिर 8000 आरपीएम, जब भी आप वो हिट करते हैं, जब आप थ्रॉटल छोड़ देते हैं, आपने थ्रॉटल हिट किया और हमारा जो रेव लिमिटर है इंजन का आपने उसे हिट किया, आपने थ्रॉटल छोड़ा, तो उसके बाद में जब ये वाला हमारा वैल्व क्लोज हो जाता है तो उससे फ़र्क ये पड़ता है कि यहाँ से तो हमारा जो जो टर्बाइन है उसको पावर नहीं मिल नहीं रही मगर ये वो कंटिन्यूसली स्पिन हो रही है काफ़ी ज़्यादा आरपीएम पे, और स्पिन होने की वजह से है ये वाला हमारा वैल्व क्लोज है तो ये बूस्ट नहीं बना पाएगी और इससे यहाँ से एयर मिल भी नहीं पाएगी, तो यहाँ पे ये वैक्यूम क्रिएट करने लगती है उसी एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के अंदर ही वैक्यूम क्रिएट करने लगती है, और इस वैक्यूम की वजह से ही ये थोड़ी अटक कर चलती है, या फिर एक तरह से मान के चल लीजिए वैक्यूम जो क्रिएट करती है तो खुद ही ब्रेक इस पर अप्लाई होने लगते हैं और इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा जल्दी कम होने लगती है, और उसकी जैसे ही वो हिट करता है वैक्यूम ये क्रिएट करती है तो उसके साथ ही आपको एक इंजन की फ्लटर साउंड सुनाई देती है जो कि आप अब सुन सकते हैं अपने स्क्रीन पर। ऑलराइट, सबसे पहले हम शुरू करते हैं टर्बोचार्जर की हिस्ट्री से जो कि गॉटलिब डैमलर ने शुरू की थी 1885 में एक पेटेंट को लॉन्च करके या फिर डिज़ाइन को लॉन्च करके, जिसका यूज़ किया था अल्फ्रेड बुची ने जो एक स्विस इंजीनियर थे 1905 में या फिर 1905 में उन्होंने उसी पेटेंट का एक पेटेंट रिसीव किया जो कि गॉटलिब डैमलर ने जो बनाया था, और वो ऐसा ही था कि एक वो पंप ड्रिवन एक टर्बाइन थी उसके ज़रिए बूस्ट क्रिएट किया जाता था जैसे कि मैंने कुछ देर पहले एक्सप्लेन किया है। उन्होंने उसे इन्वेंट किया टर्बो चार्जर को, और सबसे पहले जो टर्बो चार्जर इन्वेंट हुए थे वो कार्स के लिए नहीं हुए थे, वर्ल्ड वॉर की वजह से जो वहाँ जो मिलिट्री थी उन्होंने डिमांड की थी कि कुछ ऐसा तरीका हो जाए या फिर लाया जाए जिसकी वजह से हमारे जो व्हीकल्स हैं उनमें ज़्यादा पावर हम यूज़ कर सकें। तो सबसे पहले जो टर्बो चार्जर का यूज़ होता था वो एयरक्राफ्ट कैरियर्स में यूज़ होता था और एयरक्राफ्ट में यूज़ होता था या फिर बोट्स, जो एक हैवी बोट्स होती थी नेवी की उसमें यूज़ किया जाता था।
और जो सबसे बुरी बात थी गाइस वो ये थी कि टर्बो चार्जर को एक्चुअल में कार्स में फिट करके और इंजन मार्केट या फिर कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को यूज़ उसे एक्चुअल में यूज़ करने के लिए 20 साल और लग गए, और ये 20 साल कम से कम लेट हो गया था वर्ल्ड वॉर के ही चक्कर में, वरना ये कुछ और पहले आ जाता। सो गाइस अब बात हम करने वाले हैं टर्बो चार्जर वर्सेस सुपर चार्जर की, जिसके लिए मैंने वीडियो बनाई थी, इनमें से बेहतर कौन सा है। सो गाइस अगर एक्चुअली हम देखें तो हमारे जो टर्बो चार्जर होते हैं वो सुपर चार्जर से ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं और ज़्यादा एफिशिएंटली काम करते हैं। एक्चुअली वो आप जो मैंने आपको बताया था टर्बो लैग होता है, वो उसका रिस्पॉन्स टाइम थोड़ा सा कम रहता है, वो उसकी एडवांटेज ये होती है कि वो इंजन से पावर नहीं लेते, वो सीधे आपके एग्जॉस्ट गैसेस से पावर लेते हैं और आपका कोई इंजन से डायरेक्टली मैकेनिकल पावर का लॉस नहीं होता, और वो इंजन की एफिशिएंसी को भी इम्प्रूव करते हैं और आपको एक्स्ट्रा पावर भी देते हैं। और जो हमारे सुपर चार्जर होते हैं वो एक होस्ट की तरह बिहेव करते हैं, जैसे कि अगर हम ड्रैगस्टर्स में देखें जिनमें 8,000 हॉर्स पावर होती है, उसका सिर्फ सुपर चार्जर ही 600 हॉर्स पावर कंज्यूम कर जाता है, मगर फ़ायदा ये होता है कि उसी 600 हॉर्स पावर को लेके वो इतना इंक्रीज कर देता है कि हॉर्स पावर का जो एक पीक पॉइंट है वो 8,000 हॉर्स पावर तक पहुंच जाता है। हमारा जो सुपर चार्जर है वो इंजन से पावर तो लेता है, काफ़ी ज़्यादा लेता है, मगर जब उसे देने का मौका आता है तो बिल्कुल भी नहीं शर्माता और काफ़ी ज़्यादा हॉर्स पावर वो एक्चुअली बूस्ट क्रिएट कर पाता है, और उसका रिस्पॉन्स टाइम भी बहुत कम होता है। और गाइज अगर आप सच में चाहते हैं कि आपकी इंजन की पावर बढ़े तो आपको बिल्कुल भी फिक्र नहीं करनी चाहिए अपने फ्यूल इकोनॉमी की, क्योंकि अगर आपको पावर चाहिए तो आपका फ्यूल भी ज़्यादा बर्न करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली वो वर्क से डिपेंड वो रिलेटेड होता है कि आप जितना ज़्यादा वर्क करोगे उतनी जल्दी आपको स्पीड मिलेगी, या फिर वो एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, तो आपका एनर्जी उसे कहीं से देनी पड़ेगी जो कि वो फ्यूल की जरिए लेता है, और उसी की वजह से वो ज़्यादा फ्यूल कंजम करता है। ऑल राइट, और जो सिंपली सबसे इम्पोर्टेंट बात है टर्बो चार्जर और सुपर चार्जर की, दोनों ही आपको बहुत ही अच्छे से मज़े करवाएंगे, मगर आपको ज़रा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने कुछ ऐसे कदम उठाए कि आपको आपकी कार को पसंद नहीं आए तो आपके साथ कुछ ऐसा हो सकता है। The biggest flames, dude. The biggest. No. The biggest. Bro, I have it all on video. Dude, your turbo's blowing, man. Oh, dude, pop your hood. Pop your hood. Oh, it's red hot. Oh my god, how do you do this? Oh my god. Oh, it's on fire. आपने सब सारे जो पार्ट्स हैं वो ठीक तरह से लगाए हैं या फिर सब कुछ ठीक है, तो आपकी गाड़ी कुछ ऐसा भी कमाल कर सकती है। सो गाइज आई होप आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एक ज़रूर लाइक दें, और इस बार मैं एम कर रहा हूँ 30 लाइक्स का, जो पहली बार मैं कर रहा हूँ। सो गाइज प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करते रहिए और मैं एक ऐसी मतलब ऐसी ही वीडियो और फ्यूचर में लाता रहूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।